हेपेटाइटिस बी वायरस एक वायरस है जो कि लिवर को डैमेज करता है और लिवर कैंसर का भी एक प्रमुख कारण है। दुनिया में ये लिवर की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है और अपने देश में भी लिवर की बीमारी में जो कारण हैं उनमें सबसे प्रमुख हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो वो दूषित खून के चढ़ाने से, दूषित इंजेक्शन के द्वारा, दूषित व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ यौन संबंध के द्वारा, और जो संक्रमित माँ है गर्भवती माँ के अपने बच्चे को फैल सकता है। उसके अलावा ये वायरस जो है वो या तो स्किन में चमड़े में कुछ कट हो जाए उसमें से कुछ उसका तत्व तो आ जाए उससे भी फैल सकता है, खासकर बच्चों में आपस में खेलने में। तो इस तरह से हेपेटाइटिस बी अपने देश का एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है और जिस पर हम पूरी तरह अभी तक काबू नहीं पा सके हैं। हेपेटाइटिस बी दो प्रमुख रूप से सामने आता है। एक ऐसा होता है जो कि खासकर यंग लोगों में, जो 19-20 साल से ऊपर में पहली बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो जॉन्डिस के रूप में, अक्यूट हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं, उसके रूप में आता है और ऐसे लोगों को बीमार हो जाते हैं, शरीर पीला पड़ जाता है और 3 से 6 महीने के अंदर उसमें से 90-95% लोग ठीक हो जाते हैं, वायरस शरीर से समाप्त हो जाता है। तो इसको अक्यूट हेपेटाइटिस बी कहते हैं और ये आम तौर पर ठीक होने वाला रोग है। दूसरी स्थिति वो होती है जब हेपेटाइटिस बी बिल्कुल शिशु के को इन्फेक्शन हो जाए, जैसे अपने माँ से, या बच्चों में जब होता है तब ये हो सकता है कोई उस समय बीमारी पैदा ही ना करे, शरीर में घर कर बैठ जाए और वो मरीज को पता ही नहीं चले कि उसको कोई बीमारी भी है, और फिर 15-20-25 साल बाद जब लिवर क्षति होने लगता है तब पता चलता है कि ये जो है हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं, या कोई बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति खून देने जाता है तब उसे पता चलता है कि उसको वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, या कोई बाहर नौकरी खासकर गल्फ के देशों में करने जाता है तब वो जांच कराने में पता चलता है कि उसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। तो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन को जानने के लिए सबसे जरूरी टेस्ट जो है वो है HBsAg, इसको कभी कभी ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहते हैं। ये HBsAg टेस्ट ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि बताएगा कि किसी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन है कि नहीं। और जैसा कि मैंने बताया कि अक्यूट हेपेटाइटिस में HBsAg सबसे पहले आएगा और जब ये खत्म हो जाता है खून से तब माना जाता है कि ये मरीज का बीमारी खत्म हो गया। मगर जिनको बचपन में हो गया है, जिनको इन्फेक्शन जिस समय हुआ उस समय कोई रोग उत्पन्न नहीं हुआ, उनमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जिंदगी भर शरीर में रह सकता है। हेपेटाइटिस बी का महत्व इसलिए भी है कि ये खास करके जो कमाने वाले लोग हैं, जो अभी अपने परिवार का वहन कर रहे हैं, उन लोगों में ये बीमारी हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है, लिवर कैंसर भी हो जा सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इससे बचाव लिया जाए और जो जो मरीज हैं उनको सही इलाज किया जाए। बचाव लेने का इसमें एक अच्छी बात है कि इसके लिए वैक्सीन टीका उपलब्ध है। वैक्सीन करीब 95% इफेक्टिव है और 15-20 साल तक अभी तक जहाँ तक देखा गया है कि उसका असर रहता है, हो सकता है जिंदगी भर भी रहे। इसलिए अब WHO का रिकमेंडेशन है कि हर बच्चे को जन्म के दिन से ही टीका पड़े। जन्म के दिन पहला टीका, 1-1.5 महीना बाद दूसरा टीका और तीसरा टीका करीब 6 महीने बाद। ये कोर्स पूरा हो जाए
तो बच्चे को हेपेटाइटिस बी से बचाया जा सकता है। अगर कोई गर्भवती माँ अगर हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तब उस स्थिति में कुछ और करने की ज़रूरत है। वैसे बच्चे को जिसके माँ को इन्फेक्शन है उसको दो तरह का टीका जन्म के दिन पड़ना चाहिए। एक जांग में हेपेटाइटिस बी जो टीका है वैक्सीन है उसका पहला सुई और एक HBIG कहलाता है उसका टीका दूसरे जांग में पड़ना चाहिए। ऐसे करने से ज़्यादा चांस है कि उसको इन्फेक्शन बच्चे को नहीं होगा। इस स्थिति में एक और इस तरह के मरीजों में एक और स्थिति आ सकती है कि अगर माँ का DNA बहुत ज़्यादा है करोड़ों में है खून में तो हो सकता है कि दो टीका से भी नहीं बचाव हो, कुछ बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए। वैसे हालत में आजकल ये कहा जा रहा है विज्ञानविदों द्वारा कि थर्ड ट्राइमेस्टर में माने जो गर्भ अवस्था के लास्ट 3 महीनों में वो दवाई चलाना चाहिए ताकि DNA लोड को कम किया जा सके और बच्चे को बचाया जा सके। तो इस तरह से हर बच्चे को टीका मिलना चाहिए। अब भारत सरकार भी शायद इसको जो अपने प्रोग्राम में ला रही है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी तरह से हम लोग इस बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं। उसके अलावा कई और भी लोग हैं जो कि बच्चे में टीका नहीं लिए, उनको भी टीका पड़ना चाहिए। वो शेड्यूल वही है, पहला सुई के 1 महीने बाद दूसरा और 6 महीने बाद तीसरा सुई। फिर जो लोग हेपेटाइटिस बी से अपने काम के दौरान सामना करते हैं जैसे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल टेक्नीशियन वगैरह, उनको भी टीका लेना ज़रूरी है। फिर जो ऐसे बीमारी से हैं जिनको हेमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है जैसे कि इनका किडनी फेल कर गया है तो उनको भी हेपेटाइटिस बी का टीका लेना है। उनका डोज भी ज़्यादा है और उनको हर साल अपना टेस्ट भी करा के देखना चाहिए कि वो प्रोटेक्शन उनको है कि नहीं। जो परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, अगर पति को है या पत्नी को है, तो दूसरे जो ये हैं उनको टीका लेना है और उनको भी अपना टेस्ट करके एक बार देख लेना चाहिए कि प्रोटेक्शन आया कि नहीं। प्रोटेक्शन आया कि नहीं इसको जानने के लिए Anti-HBS टेस्ट करते हैं हम लोग। Anti-HBS का टाइटर अगर 10 से ऊपर है तो प्रोटेक्शन है। तो अगर आप वैसे आदमी हैं जिनके परिवार में किसी को इन्फेक्शन है तो ऐसा बताया गया जाता है कि अपना चेक कर लेना चाहिए कि आपका टीका का असर आपको हुआ कि नहीं। उसके अलावा जो लोग इन्फेक्शन में हैं उनको इलाज करना है। ये बीमारी का इलाज बहुत अभी बढ़िया नहीं हो पाया है, अभी तक हमारे पास वैसा दवाई नहीं हो पाया है जिससे कि हम कहें कि जो भी मरीज है उसका बीमारी हम लोग जड़ से समाप्त कर सकते हैं। परंतु बीमारी के खराब असर को, लिवर पर उसके दुष्प्रभाव को हम रोक सकते हैं, दवाई के बल पर रोक सकते हैं। इसमें एक सुई आता है जिसको हम लोग पेगलेटेड इंटरफेरॉन या प्लेन इंटरफेरॉन कहते हैं, उसको 6 महीना या साल भर सुई लगाना पड़ता है। और दूसरा गोली आता है 5-6 किस्म का, गोली को डेली खाना पड़ता है कई सालों तक। इस तरह से बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है मगर जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। हर मरीज को हेपेटाइटिस बी में इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हर मरीज जो अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ जाए तो तुरंत दवाई शुरू करने का नौबत नहीं है। वो स्पेशलिस्ट के पास जो उस रोग के जानकार हैं उनके पास जाना चाहिए। वो अपना और जांच करके देखेंगे कि बीमारी का कौन सा स्टेज है, क्योंकि 4 स्टेज में बांटा गया है बीमारी को जिसमें 2 ही स्टेज में इलाज किया जाता है, बाकी 2 स्टेज में नहीं किया जाता। जैसे बच्चे में जब इन्फेक्शन हुआ उसमें आमतौर पर DNA लोड बहुत हाई रहता है, फिर भी इलाज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि लिवर पर कोई असर नहीं रहता और उस समय देखा गया कि दवाई देने से फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरा स्टेज आता है जिसमें कि लिवर पर असर आने लगता है, लिवर में सूजन पैदा होने लगता है, उस समय दवाई देना उचित है, उससे मरीज को फ़ायदा होता है, उसका लिवर को बचाव होता है।
एक ऐसे भी तरह के मरीज आते हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ जो कि पता नहीं चला, ऐसे ही ब्लड डोनेट करने गए या नौकरी के सिलसिले में बीमारी पता चला मगर अपने आप ऊपर से स्वस्थ हैं, वैसे मरीज का सारा चीज़ नेगेटिव रहता है, डीएनए भी लो रहता है और लिवर का एंजाइम्स भी नॉर्मल रहता है, उनको हम लोग इनएक्टिव कैरियर कहते हैं। वैसे मरीजों को भी इलाज की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ फॉलोअप करना है, वेट एंड वॉच करना है। और चौथे किस्म का मरीज है जो इनएक्टिव कैरियर है, उसमें से 15-20% लोगों को फिर से इन्फेक्शन बढ़ सकता है, डीएनए वायरस का बढ़ सकता है और डीएनए बढ़ने के कारण लिवर में सूजन पैदा होने लगता है। वैसे पेशेंट को रीएक्टिवेशन स्टेज वाले मरीजों को हम लोग इलाज करते हैं। और हेपेटाइटिस बी का इलाज और टीकाकरण इसलिए भी ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी लिवर कैंसर का एक प्रमुख कारण है। दुनिया में ऐसा देखा गया, ताइवान ऐसा देश है जहाँ की लिवर कैंसर बहुत ज़्यादा था और वो लोग 1980 के दशक से ही हेपेटाइटिस बी का टीका अपने बच्चों में देने लगे। नतीजा ये है कि अभी लिवर कैंसर का दर काफ़ी कम गया है उस देश में। वैसे ही अपने यहाँ हम लोग आए दिन लिवर कैंसर जो कि जिसका कि कोई बहुत बढ़िया इलाज भी नहीं है वैसे मरीजों को देखते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपने देश में भी हर बच्चे को टीका पड़े ताकि ये बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सके। ये ज़रूरी है कि जो बच्चे टीकाकरण में छूट गए हैं उनको फॉलोअप टीकाकरण भी किया जाए। इसी तरह से हम लोग जो है इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि इलाज से इस बीमारी पर काबू पाना मुश्किल है।